इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख मेरा ये फलानी किताब देख, मेरी धार्मिक पढ़ इसमें। कौन है परमेश्वर? तेरे पास्टर को कोट पाई ना, जो फेंटी चढ़ांगे सी और तेनू वापस लेके आवा, तू पछता के वापस आएगा एक दिन। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। हर 7 दिन बाद उसी का मैसेज आता है, मैं मिलना चाहता हूं। एवरी 7 डेज, क्योंकि मुझे कोई मुसीबत है और तू उसे छुड़ा सकते हैं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो, अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखते हैं, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदावन तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है, या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी, चर्च मिला ही नहीं जी, क्या हो गया था, उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या, कमजोरी क्या, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री भी मेरा फियर नहीं। आप जानते हैं कि मैं खुल के बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए चर्च पे, कुछ अटैक ना हो जाए, लोग ना चले। अरे कोई फियर नहीं मेरे को, खुदाबंद रहना चाहिए हमारे साथ। और चर्च आप देखते हो कि थर्सडे भी अब संडे बनने लग गया, और अभी तो शुरुआत है। ये तो एक कमरा है छोटा सा मेरे लिए, अभी तो हॉल बनने किलोमीटर्स में। ये वचन जब मुझे बोले जाते थे आज से 16 साल 15 साल पहले, यीशु मसीह के प्रेम के कारण मैं आमीन तो बोलता था, लेकिन मुझे दिल से यकीन नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाइबल कहती वो शक जो दिमाग में हो वो पाप नहीं। शक वही पाप है जिसके लिए आप काम करना शुरू कर दें। कि दिमाग में शक है इसलिए चर्च नहीं आए, दिमाग में शक है इसलिए पाप किया, दिमाग में शक है फास्टिंग नहीं की। पर अगर उस शक के बावजूद आपकी प्रार्थना वही है, आपकी फास्टिंग कम नहीं हुई, आपका बोना कम नहीं हुआ, आपकी प्रार्थना कम नहीं हुई, वो शक कोई मायने नहीं करता। आपकी शर्मिंदगियां खत्म हो रही चर्च। और इस लव स्टोरी की शुरुआत उत्पत्ति से हुई। कौन सी लव स्टोरी? आपकी और परमेश्वर की लव स्टोरी। हालेलुया। पर बाइबल कहती है इंसान ने परमेश्वर को धोखा दिया। हवा ने वो फल खाया जो खाने के लिए मना किया, उसने वही फल अपने आदमी को दिया, आदम को दिया। परमेश्वर आया और उसी तरह रोज की तरह बोला कि आदम तू कहां है? लेकिन आदम पाप कर चुका था और छुप गया। कहता परमेश्वर मैं छुप गया था, मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने खाने के लिए मना किया था? हाँ मैंने वो फल खाया, क्योंकि वो औरत जो तूने बनाई है उसने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको श्रापित किया, शैतान को श्रापित किया। पहले सांप के पैर हुआ करते थे, परमेश्वर ने उसके पैर खत्म किए और उसको श्रापित किया, वो पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। आदम को श्रापित किया,
कि तुम माथे के पसीने की रोटी खाएगा, औरत को श्रापित किया। और फिर क्या किया परमेश्वर ने, उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। आप उत्पत्ति का 3 बाब पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 21 आयत को पढ़ूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। जब उन दोनों ने पाप किया और परमेश्वर ने उस पाप की सजा दी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया और बाइबल कहती है उन्हें चमड़े के अंग रखे बनाकर पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे बाइबल कहती है। और अपने पत्तों से अपना नंगापन वो ढकना चाहते थे। पुराने टाइम में जब एक कोड़ी को कोड होता था, एक व्यक्ति को कोड होता था, तो उसकी कंडीशन होती थी, उनको आम पब्लिक से बाहर निकाल दिया जाता था, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा सकता, उसको शहर के बाहर एक अलग जगह पे रहना पड़ता था, दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ सारा कुछ खत्म कर दिया जाता था। और अब वो आकर परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी शर्मिंदगी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, मेरी शर्मिंदगी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो शुद्धता, वो चंगाई सिर्फ उसकी शरीर की नहीं थी, वो अपनी पत्नी के पास दोबारा जा सकता था, अगर शादीशुदा नहीं था तो अपनी मां के पास दोबारा जा सकता था, अपने बाप से दोबारा मिल सकता था, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को दोबारा कर सकता था। जो समाज से उसको रिजेक्शन मिली, उस समाज में वो दोबारा जाकर अपनी इज्जत भरी जिंदगी जी सकता था। यही शैतान का काम है, वो आपको शर्मिंदा करने के लिए आता है, आपको शर्मिंदा करने के लिए आता है। उसका काम है आपको शर्मिंदा करना, आपके परिवार में ऐसी घटनाएं करना, आपके यूथ में ऐसी घटनाएं करना, आपके फाइनेंस में ऐसे काम करना, आपके शरीर में ऐसे काम करना कि आप जवान है लेकिन आपका आधा टाइम हॉस्पिटल्स में गुजर रहा है, आप में कोई कमी नहीं लेकिन आपका पति आपकी सुनता नहीं, आप में कोई कमी नहीं लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ नहीं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है अपने फेलो ब्रदर्स से, अपने दोस्तों से, लेकिन आप नाकामयाब है, आपकी कोई कमी नहीं, आप बड़े दिल के अच्छे हैं लेकिन आपको रिजेक्शन मिल रही, बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यह शैतान का काम है। उस कोड़ी ने कहा, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी शर्मिंदगी दूर कर सकता है, अगर तू चाहे तो मेरे फाइनेंस की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरे शरीर की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरे परिवार की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरी इमोशनल स्ट्रेस को खत्म कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे याद करवाया होगा कि ये दूर शर्मिंदगी करने का काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, मैंने उनको सजा तो दी लेकिन उनकी शर्मिंदगी को मैंने खत्म किया। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। वो चमड़े के अंग रखे कहां से आए, क्योंकि बाइबल कहती जगत की उत्पत्ति में ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया, एक मेमना कुर्बान कर दिया गया, और उसी मेमने को कुर्बान करके परमेश्वर ने उसके अंग रखे, उसके चमड़े के जो कपड़े थे वो आदम और हवा को पहनाए थे। परमेश्वर ने एक मैसेज दिया था कि यीशु मसीह कुर्बान होगा और तुम्हारी शर्मिंदगी को वो खत्म करेगा, वो शर्मिंदगी जो पाप की वजह से है। आज लोगों को पता नहीं है उनके 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 घर में शर्मिंदगी क्यों है, उनको लगता है उनका बेटा बिगड़ा हुआ है, उन्हें लगता है उनकी बेटी के कारण उनके घर में शर्मिंदगी है, लेकिन बाइबल कहती है शर्मिंदगी की शुरुआत आपके अपने पाप से हुई, आपके बेटे के पाप से या आपकी बेटी के पाप से नहीं। आप पाप में बिगड़े तो आपका घराना पीछे पीछे उसके असर में बिगड़ा, आपका फाइनेंस बिगड़ा, आपकी सेहत बिगड़ी, आपकी लाइफ बिगड़ी, आपकी सब कुछ वो आपके साथ जो जुड़ा हुआ था वो बिगड़ गया, और आप सोचते हैं अगर वो अच्छा होता तो मेरे घर में शर्मिंदगी ना होती, अगर ये अच्छा होता, अगर मेरा पति अच्छा निकलाता, अगर मेरा पार्टनर अच्छा निकलाता, अगर मेरा बिजनेस पार्टनर अच्छा निकलाता तो मुझे शर्मिंदगी ना होती, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती आदम और हवा के पाप के कारण उन्हें शर्मिंदगी सहनी पड़ी और उन्होंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर हम शर्मिंदा हैं, हम तेरे सामने नहीं आ सकते, हम नंगे हैं। परमेश्वर ने उनको पाप का असर उनको दिया, उनको सजा दी, लेकिन बाद में यह भी किया कि यीशु मसीह को कुर्बान किया, एक मेमना कुर्बान किया और उसके कपड़े उसको पहनाकर उसकी शर्मिंदगी को ढक दिया। यीशु मसीह की कुर्बानी का मैसेज तो परमेश्वर शुरू से देता आया,
उसने नए नियम में नहीं दिया, पुराने नियम से वो बताता आया है कि अगर तुम अपनी शर्मिंदगियों से आजाद होना चाहोगे तो तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और उसी से अपने आप को ढकना पड़ेगा।